एक औरत को अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों से डील करना होता है कि एक आदमी उसको सोच भी नहीं सकता, पर इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाती है, सबको खुश रखती है। हम किसी वुमेन को जानते हों या नहीं जानते हों, लेकिन एक वुमेन ऐसी होती है जिसको हम सभी जानते हैं, और वो है हमारी माँ, जो सारे काम करती है बिना किसी सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के, हमेशा पूरी ज़िंदगी भर। शुरू से ही इस मेल डोमिनेंट मेंटेलिटी वाले समाज में वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया गया है और उसको इनकैपेबल माना गया है हर काम के लिए। तरह तरह की धारणाएं बनाई गई हैं, जैसे कि औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, औरत सिर्फ घर संभाल सकती है, औरत खेल कूद नहीं कर सकती, और न जाने कैसी कैसी धारणाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी लेडीज़ की जिन्होंने इन सामाजिक धारणाओं को तोड़ा है और अपने हार्डवर्क, डेडिकेशन से अपना, अपने देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। लता मंगेशकर एंड आशा भोसले तो ऐसे नाम जिन्हें शायद ही कोई नहीं जानता हो इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी आवाज के दम पर पूरे देश को मोहित किया, कई हजार गाने गाए। मदर टेरेसा, जिन्होंने हजारों अनाथ बच्चों को सहारा दिया और बहुत ऐसे अच्छे काम किए जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1979 में। इंदिरा नुई, जो कि पेप्सिको की करंट चेयरपर्सन है और सीईओ है। शकुंतला देवी, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जानी जाती है, और उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने 1982 में बनाया। सुषमा स्वराज, जो कि एक बहुत ही कामयाब पॉलिटिशियन रही अपने जमाने की और जो कि एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी रही है।